हमीरपुर जिला में पिछले कुछ दिनों से चोरियों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और ताजा मामले में बोटा किस्मी कोठी गांव में दो घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने घरों में ट्रंकों के ताले तोड़कर करीब 10 लाख के सोने चांदी के गहनों पर हाथ साफ किया। घटना सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर भी जाकर छानबीन शुरू कर दी है और पुलिस की ओर से ड्रग्स गाइड के अलावा फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जो कि अभी पड़ताल में जुटी हुई है। एसपी हमीरपुर कार्तिकेय गोकुल चंद्रीन ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हमीरपुर मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर कोठी गांव में चोरों ने देर रात को घरों में सींद लगाकर चोरी को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार चोरों ने बड़ी शातिरता से घरों के अंदर रखे हुए कीमती गहनों को चुराया है। दोनों घरों की दूरी 100 मीटर के दायरे में है और दोनों ही घरों से चोरों ने हाथ साफ किया है। वहीं चोरी की घटना का पता सुबह चला जब घर के सदस्यों ने कमरे के अंदर सामान को बिखरे हुए पाया। मकान मालिक ने बताया कि चोरों ने रात के समय ताले तोड़कर गहनों को चुराया है और लाखों रुपए के गहने चोरों ने चुराए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस में मामला दर्ज करवाया है और अभी छानबीन की जा रही है। उन्होंने बताया कि करीब 12 लाख के गहनों को चोरों ने चुराया है। शाम को मेरा सामान चोरी कर लिया, सारा गहने को ले गए। पुलिस आई है, पुलिस तफ्तीश कर रही है। अभी देखो क्या होता है, सब किया था उन्होंने सब कुछ। सेकंड जो है 12 लाख के हैं और सोने के और चांदी के हैं, कोई 20 तोले के, लगभग 6 और 7 लाख के बीच कीमत है जो रात को चोरी हुई है और इसकी अभी पुलिस जांच कर रही है। उधर एसपी हमीरपुर कार्तिकेय गोकुल चंद्रीन ने बताया कि 100 मीटर के दायरे में दो घरों में चोरों ने गहने चुराए हैं और दोनों घरों से करीब 10 लाख के गहने और अन्य सामान चोरी हुआ है। उन्होंने बताया कि घरों से कुछ दूरी पर चोरी किया गया सामान भी बरामद हुआ है और पुलिस अभी छानबीन में जुटी है। उन्होंने बताया कि धारा 380 और 457 IPS के तहत मामला दर्ज कर छानबीन तेज कर दी है। आज एक केस आया है जो बोटा चौकी के अंदर पड़ता है। इसमें दो घर हैं तकरीबन 100 मीटर के डिस्टेंस में और दोनों घर में चोरी हुआ है। रात के समय में चोरी हुआ है, कल रात के समय में, और एक घर में तकरीबन 4 लाख के वर्थ गहने, गोल्ड एंड सिल्वर चोरी हुए हैं और दूसरे घर में भी सिमिलरली गोल्ड एंड सिल्वर का ही चोरी हुआ है। तो इसका हम FIR दे रहे हैं एज पर लॉ अंडर सेक्शन 380 एंड 457 IPC। इसके अलावा हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है और फॉरेंसिक टीम भी अभी पहुंचेगी, अभी थोड़ी देर में ही सीन ऑफ क्राइम को विजिट करेगी। इसके अलावा हमारा डॉग स्क्वाड भी ट्रैकिंग पे लगाया है हमने और इसमें एक छोटा सा गहने का बॉक्स उसी एरिया में अभी रिकवर हुआ था और इसके अलावा और भी इन्वेस्टिगेशन जारी है।